10 मिनट 50 खबरों के बाद आपको ये बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। नाना देशमुख की जयंती कार्यक्रम में ही पीएम मोदी इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस अभियान के तहत 2022 तक देश में गरीबी खत्म करने की मुहिम चलाई जाएगी। ये गरीबी मिटाने के लिए पीएम की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके बारे में आज वो जानकारी देंगे कि इस तरह 2022 तक देश से गरीबी को हटाना है और ये एक अनोखी मुहिम पीएम की ओर से। तो मोदी सरकार आज गरीबी भारत छोड़े अभियान का आगाज करने वाली है और इसका ऐलान नानाजी देशमुख जन्मशती समारोह में किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी कृषि अनुसंधान केंद्र में गांव से आए 10,000 लोगों को संबोधित करेंगे। 21वीं सदी में हमारा संकल्प बने कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश हो जो गरीबी से मुक्त हो, समृद्धि से युक्त हो। देश से गरीबी हटाने को सरकार का मिशन घोषित कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी गरीबी हटाओ अभियान का आज आगाज कर सकते हैं। मौका है नानाजी देशमुख के नाम से मशहूर जनसंघ के मशहूर नेता चंडिका दास अमृतराव देशमुख के जन्मशती का, जिसे सरकार धूमधाम से मनाने जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में अभूतपूर्व योगदान के लिए नानाजी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। खास बात यह है कि आज ही जयप्रकाश नारायण की भी जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के पूसा रोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र में देश भर के गांव से आए 10,000 लोगों से मुखातिब होंगे। इन लोगों में सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्राम पंचायतों से आए प्रतिनिधि, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के अलावा वो लोग शामिल होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है। पीएम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे जिन्होंने गांव में काम आने वाले नए आविष्कार किए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गांव में टेक्नोलॉजी विषय पर एक प्रदर्शनी भी देखेंगे, जिसमें 100 से ज्यादा ऐसे तरीके और यंत्र दिखाए गए हैं जिससे गांव में जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राम संवाद ऐप को भी लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए इस बात की निगरानी की जा सकेगी कि सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो ग्राम पंचायत के स्तर पर किस तरह से काम कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं को जिले के स्तर पर ठीक से लागू किया जा सके, इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक सरकार ने मिशन अंत्योदय के तहत 50,000 गांव से गरीबी मिटाने का लक्ष्य रखा है और इसकी सफलता के लिए सरकार से 30 विभाग जुटे हुए हैं। आज के कार्यक्रम में पीएम मोदी 2022 तक देश से गरीबी खत्म करने के अभियान का विधिवत आगाज कर सकते हैं। देश की हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग से हो सकता है और वो मार्ग है विकास का। बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।